नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन और जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलता है, जिससे हम अपने काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर पर आधारित ये हमारी पहली वीडियो है और यह बॉयलर वाटर ट्यूब बॉयलर की कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बॉयलर को बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस बॉयलर की जो खोज है वो जॉर्ज हेरमन बैबकॉक और स्टीफन विलकॉक्स ने 1967 में की थी और उन्हीं के नाम पर ही इस बॉयलर का नाम बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर पड़ा। दूसरी बात, ये जो बॉयलर है ये किस कैटेगरी में आता है? इस बॉयलर को हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है और इस बॉयलर के अंदर बहुत सारी वाटर ट्यूब्स होती हैं, और जिसकी वजह से इसको मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर भी कहते हैं। और इस बॉयलर में जो प्रेशर है वो मीडियम प्रेशर रहता है, और इसके अंदर जो फर्नेस होती है वो बाहर रखी होती है, वो फर्नेस नीचे वाले पार्ट में होती है, और बाहर रखने की वजह से इसको एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर भी कहते हैं। और इस बॉयलर के अंदर जो ट्यूब्स है, ट्यूब्स के अंदर पानी रहता है और ट्यूब्स के चारों तरफ फ्ल्यू गैसेज है वो मूव करती है, और जिसकी वजह से इसको स्टेशनरी वाटर ट्यूब बॉयलर भी कहते हैं। और इस बॉयलर के अंदर जो वाटर फ्लो करता है वो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से करता है, और इसलिए इसमें जो सर्कुलेशन है वो नेचुरल सर्कुलेशन है, और ये नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर की कैटेगरी में आता है। सबसे पहले ये स्टीम एंड वाटर ड्रम है, इसको स्टीम सेपरेटर ड्रम भी कहते हैं, ये वेल्डेड हाई प्रेशर ड्रम भी कहते हैं। और यह बॉयलर के जो टॉप साइड होती है वहाँ पे ये लगा होता है। इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक इसका अपर पार्ट होता है और दूसरा इसका बॉटम पार्ट होता है। अपर पार्ट के अंदर इसमें स्टीम होती है और बॉटम पार्ट के अंदर इसमें वाटर स्टोर होता है। तो ये स्टीम और वाटर इसके अंदर दोनों होते हैं, लेकिन आधे पोर्शन में स्टीम होती है और आधे पोर्शन में इसमें वाटर होता है। उसके बाद इस ड्रम पे दो तरह के हेडर लगे होते हैं, एक डाउन टेक हेडर है जो हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, डाउन टेक हेडर है, और दूसरा है अप टेक हेडर है। और दोनों हेडर्स के बीच में बहुत सारी ट्यूब्स लगी होती हैं, इनको वाटर ट्यूब्स कहते हैं, और इन्हीं ट्यूब्स के अंदर वाटर फ्लो करता है। और ये स्ट्रेट ट्यूब्स होती हैं और ये थोड़ा सा इंक्लाइंड भी होती हैं, और इन ट्यूब्स का जो इंक्लाइंड एंगल है वो 5 से 10 डिग्री के बीच में वो वेरी करता है। और इनको इंक्लिनेशन देने की वजह ये है कि जिससे जो वाटर का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली हो सके। दूसरी बात कि जो वाटर फ्लो करता है हमारा, वो ड्रम से आएगा वहाँ या ट्यूब्स के अंदर, वो आएगा डाउन टेक हेडर के थ्रू, और जो स्टीम जाएंगी वो अपटेक हेडर से, वो ड्रम में जाएंगी, वो अपटेक हेडर के थ्रू यहाँ से जाएंगी। और दूसरी बात इसमें क्या है कि जो वाटर ड्रम से जो वाटर ट्यूब्स में जो फ्लो करता है वो डाउन टेक हेडर के थ्रू ही वाटर फ्लो करता है। और इनको यूज़ करने का मेन रीज़न ये है कि जो वाटर का जो फ्लो है उसको मेंटेन किया जा सके। और उसके बाद क्या है कि अगर मैं इसके कंस्ट्रक्शन की आपसे बात करता हूँ, यहाँ पे ये कुछ वाल ब्रिज डिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, इन सभी को जो हमें ये वाइट कलर में जो नज़र आ रहे हैं, अब ये वाल ब्रिज डिफ्लेक्टर होते हैं। इनका मेन काम ये होता है कि जो भी फ्ल्यू गैसेज होंगी उनको डिफ्लेक्ट करना, और उनको डिफ्लेक्ट करने का मेन मोटिव यह है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो यूटिलाइजेशन है फ्ल्यू गैसेस का वो हो सके। उसके बाद है कि हमारे पास ये फर्नेस होती है, क्योंकि फर्नेस एक ऐसा पार्ट होता है बॉयलर का जहाँ पे जो फ्यूल की कमर्शन जो फ्यूल का जो बर्न होता है, फ्यूल बर्न होता है, तो यहाँ जो फ्यूल है हम कोल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्नेस के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे फ्यूल बर्न होता है, उसको फायर ग्रेट कहते हैं। जो फर्नेस का जो बर्निंग सरफेस है उसको फायर ग्रेट कहते हैं, और जो फायर ग्रेट है वहाँ पे फायर ड्यूर के थ्रू ही, फायर ड्यूर के माध्यम से ही कोल को फर्नेस में डाला जाता है। और उसके बाद जब कम्बशन होता है हमारे पास, जब फ्यूल बर्न करता है, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी एसिड हैं वो कलेक्ट होती हैं, और वो जो एसिड हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, और उस जगह को कहते हैं एस्पिट। कि एस्पिट बॉयलर के अंदर वो जगह होती है जहाँ पे पूरी की पूरी जो ऐस है उसको कलेक्ट किया जाता है, और यहाँ से ऐस को रिमूव किया जा सकता है, मैन्युअली भी कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक लीवर अरेंजमेंट की हेल्प से भी जो ऐस को है वो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ये हमें जो फ्ल्यू गैसेज हैं वो वाल डिफ्लेक्टर की वजह से वो डिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली गई हैं, जो रेड कलर के जो एरो हमें नज़र आ रहे हैं। उसके बाद क्या है कि इस बॉयलर के अंदर बैफल्स लगी होती हैं,
बैफल्स क्या हैं? बैफल हैं जो वाटर ट्यूब्स के अक्रॉस में लगे होते हैं, और जनरली हमें इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि हमारे पास दो बैफल्स हमें नज़र आ रहे हैं। बैफल्स का काम क्या है कि जो फ्ल्यू गैसेस हमारी फर्नेंस से आएंगी कोल बर्न होने के बाद, उनको प्रॉपरली उनको मूव कराना है थ्रू आउट द ट्यूब्स। तो दो बैफल्स हैं तो यहाँ तीन पासिस हमें मिलने वाले हैं। तो जैसा कि अब ये देखो, यहाँ जो डिफ्लेक्ट हो गई हैं जो गैसेस थी हमारी फ्ल्यू गैसेस ट्यूब्स के थ्रू, अब जो नेक्स्ट जो बैफल्स था उसने उसको डिफ्लेक्ट कर दिया है, और जिससे क्या है कि वो देखो ये जो रेड कलर में भी नज़र आ रहा है, ये पाथ है, ये फ्ल्यू गैसेस का पाथ है जो ट्यूब्स के चारों तरफ घूम रहा है। तो इससे क्या है कि बैफल्स और जो वाल ब्रिज डिफ्लेक्टर है, इनकी वजह से ज़्यादा जो फ्ल्यू गैसेज हैं वो वाटर ट्यूब्स के कॉन्टैक्ट में आएंगी, और जब वाटर के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आएंगी तो वाटर से ज़्यादा स्टीम प्रोड्यूस होगी और ज़्यादा से ज़्यादा फ्ल्यू गैसेस का यूटिलाइजेशन होगा, और जिससे क्या है कि हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा तो फ्ल्यू गैसेस अच्छी अमाउंट में हमारे यूटिलाइजेशन होगा और स्टीम हमें अच्छी अमाउंट में मिलेगी, और स्टीम अपटेक हेडर की हेल्प से वो स्टीम ड्रम में जो स्टीम स्पेस है वहाँ पे कलेक्ट होती रहती है। उसके बाद क्या है कि इस बॉयलर की सेफ्टी पर्पज़ के लिए, सेफ ऑपरेशन के लिए इस बॉयलर पे कुछ माउंटिंग्स लगे होते हैं। तो जैसे हमें नज़र आ रहा है कि ये सेफ्टी वाल्व है, तो सबसे पहले कि जो सेफ्टी वाल्व है उसका क्या काम होता है? जो सेफ्टी वाल्व का मेन फंक्शन है कि अगर बॉयलर के अंदर जो प्रेशर है वो स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उस दौरान जो एक्सेस जो स्टीम है उसको बाहर भेजना। तो सेफ्टी वाल्व कई तरह के होते हैं, जैसे डेड वेट सेफ्टी वाल्व होता है, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व होता है, लीवर सेफ्टी वाल्व होता है, तो ये कई तरह के होते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इनको यूज़ किया जाता है। जो नेक्स्ट हमारे पास जो माउंटिंग है वो है ब्लोफ पाइप, इसको ब्लोफ कोक भी कहते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो ब्लोफ पाइप या ब्लोफ कोक का जो मेन मोटिव है कि समय समय पर बॉयलर से पानी को बाहर निकालना होता है, उसके कुछ हमारे पास रीजंस हैं, जैसे कि जब बॉयलर रनिंग में होता है उस दौरान भी बॉयलर से वाटर को बाहर निकालते हैं, और जब बॉयलर की क्लीनिंग करनी होती है, बॉयलर की मेंटेनेंस करनी होती है या उसकी इंस्पेक्शन करनी होती है उस दौरान भी बॉयलर को एम्प्टी करना होता है, खाली करना होता है, तो इस ब्लोफ कोक पाइप के माध्यम से उसको खाली किया जाता है। और उसके बाद क्या है कि कई बार क्या है कि जो बॉयलर है उसकी जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स के बॉटम में मड, इम्प्योरिटीज, स्केल, ये सारा इकट्ठा हो जाता है, तो उसको भी बाहर निकालने के लिए वो जो पाइप का यूज़ करेंगे वो ब्लो हो पाइप ही होगी। नेक्स्ट है मैन होल। मैन होल जो हमें नज़र आ रहा है, मैन होल का मेन काम है कि इस होल के थ्रू कोई भी व्यक्ति स्टीम सेपरेटरी ड्रम के अंदर जा सकता है जब बॉयलर ऑपरेशन में नहीं है, या बॉयलर के जो ड्रम की हमें क्लीनिंग करनी है, साफ सफाई करनी है, या उसके अंदर कोई इंस्पेक्शन करना है, या अगर कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, कोई वियर एंड टीयर हो गया, तो इस होल के माध्यम से ही कोई भी व्यक्ति इसके अंदर जाके इसको ठीक कर सकता है जो भी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है फीड वाटर इनलेट, इसको फीड चेक वाल्व भी कहते हैं। फीड वाटर इनलेट है, इसका मेन जो काम होता है फीड चेक वाल्व का, इसके मुख्यतः दो काम होते हैं, एक तो वाटर को बॉयलर में फीड करना या भेजने में मदद करना, जो फीड पंप से सप्लाई आएगी वो इसके माध्यम से होगी। दूसरा है कि जब फीड पंप काम करना बंद कर देता है या वो ख़राब हो जाता है, तो उस दौरान क्या है कि जो बैक फ्लो ना हो वाटर का बॉयलर से फीड पंप की तरफ, उसको भी ये रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ये मुख्यतः दो काम हैं फीड चेक वाल्व के। तो और नेक्स्ट हमारे पास है स्टोप वाल्व, इसको स्टीम स्टोप वाल्व भी कहते हैं, और यह मेनली जो स्टीम स्टोव वाल्व है ये स्टीम को शट ऑफ करने के भी काम आता है, और दूसरा है कि जो स्टीम का जो फ्लो होता है उसको ये कंट्रोल करता है। जो स्टीम स्टोव वाल्व है जो हमें यहाँ पे लगा है, ये स्टीम के फ्लो को कंट्रोल करता है, क्योंकि यहीं से जो स्टीम है वो बॉयलर से स्टीम पाइप में जाएगी, और जो स्टीम पाइप है वो इंजन से कनेक्टेड होती है, और यह बॉयलर का जो हाइएस्ट जो स्टीम स्पेस है वहाँ पर ये लगा होता है, और स्टीम स्पेस के एक और स्टीम पाइप के साथ कनेक्टेड होता है, और दूसरा जो एंड स्टीम पाइप का वो इंजन से कनेक्टेड होता है। तो ये स्टीम को बेसिकली रेगुलेट करने के काम आता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है वो है प्रेशर गेज। अब प्रेशर गेज का क्या काम है? प्रेशर गेज बॉयलर पे इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमें जो स्टीम बॉयलर है उसमें जो स्टीम जनरेट होगी उसके प्रेशर को रिकॉर्ड किया जा सके, और इसको यूजुअली जो बॉयलर का जो फ्रंट टॉप साइड होता है वहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं, ताकि जो भी अटेंडेंट जिसको भी रीडिंग चाहिए प्रेशर की वो इसको देख सके, ये इजीली विजिबल भी हो, ताकि टाइमली इसको पीरियडिकली देखना होता है कि प्रेशर कितना है स्टीम का।
नेक्स्ट है वाटर गेज। इसको वाटर गेज और वाटर लेवल इंडिकेटर भी कहते हैं, क्योंकि बॉयलर के अंदर वाटर के लेवल को बताने के लिए इस बॉयलर माउंटिंग का यूज़ किया जाता है। और इस इंडिकेटर की मदद से यह भी ध्यान में रखा जाता है कि जो वाटर का जो लेवल है वो डिसाइडेड पर्टिकुलर लेवल से नीचे ना चला जाए। अगर ऐसा हुआ तो बॉयलर ओवरहीट हो जाएगा और जिससे ट्यूब्स के फटने का भी खतरा होगा। तो इसकी दो पोर्शन होते हैं, इसका जो टॉप पोर्शन है वो स्टीम स्पेस के साथ कनेक्टेड होता है और इसका जो बॉटम पोर्शन है वो वाटर स्पेस के साथ कनेक्टेड होता है। और यह ड्रम व सेल के फ्रंट में लगा होता है जिससे यह ऑपरेटर के लिए विजिबल हो चेक करने के लिए और वाटर लेवल को बॉयलर में देखने के लिए। उसके बाद यह चिमनी है, इसको नॉर्मली स्टैक भी कहते हैं। और जो चिमनी है यह फ्ल्यू गैसेस को एटमॉस्फेयर में भेजने के लिए यूज़ करते हैं। और जो चिमनी है, अगर मैं यहाँ देखूँ, यह चिमनी के जो ये इनलेट है और इसको डैम्पर कहते हैं। डैम्पर बेसिकली क्या कहता है कि जो फ्ल्यू गैसेस की जो एंट्री है चिमनी के अंदर उसको ये कंट्रोल करता है। ये सुपर हीटर है। सुपर हीटर बेसिकली क्या है कि सुपर हीटर एक ऐसी बॉयलर असेसरी है जो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। जो स्टीम पावर प्लांट है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो भी स्टीम बनती हैं बॉयलर के अंदर वो या तो वेट होती हैं या सैचुरेटेड होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर कुछ मॉइस्चर अवेलेबल होता है, तो उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, सैचुरेटेड स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हम सुपर हीटर का यूज़ करते हैं। दूसरी बात, जो सुपर हीटर है उसको जो फ्ल्यू गैसेस हमारी फ्लो करती हैं उनके रास्ते में ही इसको लगाया जाता है, ताकि जो फ्ल्यू गैसेस की जो हीट है उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। कोई एक्स्ट्रा से हमें कोल बर्न की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी को यूटिलाइज करके उसी से जो सैचुरेटेड स्टीम है उसको सुपर हीटेड में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उसको प्रोसेस वर्क के लिए किसी भी प्राइम मूवर में भेजा जाता है। और जो सुपर हीटर है उसकी मदद से एफिशिएंसी तो बढ़ती है, दूसरा कि जो स्टीम में जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाता है, जिससे फ्रिक्शन भी कम हो जाता है और जिससे हमारा जो इरोजन है वो भी कम होगा स्टीम पावर प्लांट के अंदर। और साथ में कम फ्यूल लगेगा तो इसकी इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ, ये जो हमारा बर्न स्टार्ट हो गया, बर्निंग फ्ल्यू गैसेस ने मूव करना शुरू कर दिया है बैफल्स के चारों तरफ, और जो ट्यूब्स है वाटर में वो गर्म हो गए, जो स्टीम की सप्लाई है वो शुरू हो गई है, और जो सुपर हीटेड जो स्टीम है वो जा रही है हमारी प्राइम मूवर्स में जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और चिमनी से जो फ्ल्यू गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में जा रही हैं। तो आज हमने जो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे, मेन कंपोनेंट्स हैं, जो मेन कंपोनेंट्स हैं और साथ में इसकी जो वर्किंग है वो आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ मैं। तो फिर भी मैं इस पर एक नई वीडियो लेके आऊँगा जो स्पेशल इसकी वर्किंग पे आधारित होगी। आज तो जो इसके कंपोनेंट्स हैं मेनली उनके बारे में मैंने डिस्कस किया है। इसके बाद भी बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर की, जैसे सबसे पहली स्पेसिफिकेशन है कि जो ड्रम है उसका जो डायामीटर है वो 1.2 मीटर से 1.83 मीटर के बीच में होता है। दूसरा है कि इसकी जो लेंथ है 6.096 मीटर से 9.144 मीटर होती है। जो वाटर ट्यूब का जो साइज है वो 7.62 मीटर से 10.16 मीटर होता है। और जो सुपर हीटेड का जो ट्यूब होती है उनका जो साइज़ है 3.84 मीटर से 5.71 मीटर होता है। और जो वर्किंग प्रेशर इसका 40 बार के आसपास होता है, और इसकी जो स्टीमिंग कैपेसिटी होती है वो 40,000 केजी पर आवर होती है जो मैक्सिमम है एक हिसाब से। और इसकी एफिशिएंसी 60 से 80% के बीच में इसकी एफिशिएंसी है वो वेरी करती है। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया वेबकॉक और विलकॉक्स के बॉयलर के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सोशल साइट्स पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और आप इसके फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं www.facebook.com/nuniversedouble2, और nuniversedouble2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।